हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नई अपडेट। डिफरेंट जॉब्स की जानकारियां आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं आज के आपके लिए। दोस्तों, इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर एंड मोर जॉब्स इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको लेजिट और बिल्कुल जेन्युइन और रियल इंफॉर्मेशन मिलती हैं सभी जॉब्स के बारे में। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सभी लोगों का की हेल्प हो सके। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आगे हेल्प करें, उन्हें ये आप लिंक्स जो हैं सेंड कर सकते हैं। यू कैन सेंड दीज लिंक्स टू हेल्प द अदर पीपल ऑल्सो इन फाइंडिंग द जॉब एंड यू कैन हेल्प देम। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी, जो बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। रिलायंस फाउंडेशन स्कूल्स में आज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज मैं लेके आया हूँ, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले तो देखिए, ये जो स्कूल है रिलायंस धीरूभाई अंबानी जी का स्कूल है, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी जी का ये स्कूल है। और ये शुरुआत में 1997 में शुरू हुआ था और आज ये बिल्कुल टॉप पोजीशन पे पहुंच गया है। यहाँ पे मैं करियर पे जा रहा हूँ, अब आप लोगों को मैं वैकेंसीज दिखाने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हुई हैं। और आप लोगों को बस ये देखिए, टू अप्लाई फॉर स्टाफ पोजीशन प्लीज क्लिक हियर। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रिलायंस फाउंडेशन स्कूल एक बहुत बड़ा नाम है, आप लोगों को भी पता है। और यहाँ पे अगर आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है तो आप लोगों को एक तो यहाँ पे हर तरह की रहने की खाने की फैसिलिटी मिलेगी, साथ में आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है। तो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रिलायंस फाउंडेशन स्कूल, जो कि जामनगर में है, एक 12th क्लास तक का स्कूल है जिसमें सारे विंग हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। ऑफर्स क्वालिटी एजुकेशन विद ए फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। द स्कूल इनवाइट्स, अब देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इन लेटेस्ट मैंने करियर पे जैसे क्लिक किया आपके सामने ये जॉब्स आने वाली हैं। द स्कूल इन्वाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम क्वालिफाइड and experienced candidates from reputable English medium schools for the following positions. सबसे पहली दोस्तों पोजिशन है आप लोगों के लिए, वाइस प्रिंसिपल चाहिए इन्हें प्राइमरी स्कूल के लिए। दे रिक्वायर वाइस प्रिंसिपल फॉर प्राइमरी विंग। फॉर दैट यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट विद बी एड एंड शुड हैव 10 to 12 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। इसके अलावा Headmistress is required for middle section. For that, you should have the qualification as PG, post-graduation or graduation with B.Ed and 7 to 10 years of relevant experience. Iske alawa, assistant headmistress is required for pre-primary classes, pre-primary section. Uske liye jo qualification mangi hai, wo hai post-graduation ya phir graduation with ECCED और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एंड 5 से 7 ईयर्स एक्सपीरियंस, 5 से 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस फॉर प्राइमरी विंग, उसके लिए पीज पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन विद बीएड होनी चाहिए और 5 से 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो है कोऑर्डिनेटर्स के लिए फॉर प्री प्राइमरी विंग, उसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विंग के लिए कोऑर्डिनेटर्स चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा अब हम अगली जो कोऑर्डिनेटर के बाद जो अगली वैकेंसीज हैं वो है प्री प्राइमरी टीचर्स की। प्री प्राइमरी टीचर्स आर रिक्वायर्ड और उनके अगर उनकी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन है और रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई सालों का एक्सपीरियंस नहीं लिखा है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद प्री प्राइमरी टीचर्स, प्री प्राइमरी के बाद प्राइमरी टीचर्स भी चाहिए इन्हें सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जिसके लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपकी है, साथ में बीएड है, अगर थोड़ा बहुत आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली वैकेंसी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए ऑल सब्जेक्ट्स के लिए।
उसके लिए भी आपकी एमए लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए, साथ में रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद अगली वैकेंसीज हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, सारे सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए दोस्तों। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। अभी भी अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए दुख की बात है, ऐसा मत करिएगा। वीडियो मेरे हिसाब से अच्छा चल रहा है और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं आप सभी। अब अगली जो वैकेंसीज है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए और सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैं, ऑल विंग्स के लिए। तो इसलिए इस इन वैकेंसीज के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में बीएड होनी चाहिए। अब अगली जो वैकेंसीज है वो है एक्टिविटी टीचर्स के लिए, को करिकुलर एक्टिविटी टीचर्स के लिए है, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा। और उसके लिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और साथ में रिलेवेंट डिप्लोमा या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है इन दीज एरियाज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी जो है वो है काउंसलर्स के लिए। अब काउंसलर्स के लिए दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग या फिर क्लिनिकल, या फिर आप ग्रेजुएट हो विद पीजी डिप्लोमा इन स्कूल साइकोलॉजी और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, साथ में एक्सपीरियंस जरूरी है, ठीक है। आईटी मैनेजर की भी जरूरत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर इज रिक्वायर्ड, उसके लिए ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन आईटी या कंप्यूटर साइंस, 5 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी जो है वो एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए है। एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए आप या तो ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए एचआर में और 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगली जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन चाहिए इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ। तो स्कूल जो है आपको कॉम्पिटेटिव कंपनसेशन पैकेज देता है ऑन द लाइन्स ऑफ 7th पे कमीशन रिकमेंडेशंस, एकोमोडेशन आप लोगों को मिलेगी जो आउटस्टेशन कैंडिडेट्स होंगे। तो कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं वो अपना बायोडाटा भेज सकते हैं careers.kdarfs@rfs.edu.in। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन स्कूल, रिलायंस ग्रीन्स, मोती खावदी, जामनगर, गुजरात। और ये इनका नंबर है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इन नंबर्स पे आप कॉल करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट जॉब्स के बारे में, ढेर सारी जॉब्स आप लोगों के लिए, मोर देन 100 जो वैकेंसीज हैं ये जो आप लोगों के लिए रिलायंस फाउंडेशन स्कूल में निकली हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर ऐसे स्कूल्स में आप लोगों के लिए वैकेंसीज आती हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये मौका है कोरोना के दौरान आप लोगों को ऐसे स्कूलों में काम करने का। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। बाकी फ्रेंड्स, मैं इन जॉब्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, वो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।